नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं mumbai9news.com। नवी मुंबई के नेरुल में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार से रूबरू कराएंगे आज हम आपको। अनुजी चौहान जी, आपका मुंबई नाइन न्यूज में स्वागत है। अनुजी चौहान जी, आप बताएंगे कि नवी मुंबई के अंदर नेरुल सेक्टर 19A में, जो कि अक्षर बिल्डर की एक साइड पर जो होल्डिंग्स लगी थी, वो होल्डिंग्स क्या लीगल है क्या इलीगल है, और उस पर क्या प्रतिक्रिया आप दे सकेंगे? देखिए, जैसे आपके चैनल ने ऑलरेडी इसके ऊपर खुलासा किया है, और स्पेसिफिकली मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग पत्रकारिता के साथ साथ जन जागृति और सोशल वर्क भी करने लगे हो, ये आपकी प्रशंसा की बात है। और बहुत सही काम किया है आप लोगों ने कि 19A में ये जो 19 ईस्ट करके जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा नवी मुंबई का। इस प्लॉट्स के भी कुछ हेर कुछ तो भी गड़बड़ है, जो आपको शायद पता नहीं आपके चैनल ने भी कुछ निकाला है कि नहीं, पर मैं कुछ तो भी पढ़ रहा था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि महानगर पालिका का किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे लॉस हुआ है रेवेन्यू का, जैसे आप लोगों को पता है कि कोविड के दौरान महानगर पालिका लाखों रुपये खर्चा कर रही है, और ये लाखों रुपया उत्पन्न कहाँ से होता है, ये रेवेन्यू से उत्पन्न होता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर बिल हो गया, जिस तरीके से ये लोग रेवेन्यू जमा कर रहे हैं, जैसे आपके बोर्ड्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, आपके बैनर्स हैं, तो अगर आपने इस साइट पे अगर आपने एक 200 से 300 मीटर का आपने एक बोर्ड देखा होगा, जिसमें इन लोगों ने बखूबी उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट करवाया है, जिससे इनको कस्टमर मिले। मेरा आपका चैनल से मुझे ये प्रश्न पूछना है कमिश्नर जी से कि सर, आपके एरिया में 300 से 400 मीटर का प्रोजेक्ट पे एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके वार्ड ऑफिसर बकायदा आपको पता होते हुए भी अगर आपका वार्ड ऑफिसर कार्रवाई नहीं कर रहा है, रेवेन्यू जमा नहीं कर रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके सैलरी से आपको ये अमाउंट डिडक्ट करना है, और लोगों को आपको सुविधा देना है, जो कोविड में हमारे पैसे जो खर्चे हो रहे हैं, इससे आपको रेवेन्यू आपको उत्पन्न ले लेना है, इसके ऊपर आपको 10 टाइम्स पेनल्टी मारना है एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से। आप इसके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई कीजिए, FIR कीजिए और पैसा वसूल कीजिए, अन्यथा वार्ड ऑफिसर को आप सस्पेंड कीजिए और वार्ड ऑफिसर से इसका पैसे का रिकवरी कीजिए। सर, आपके हिसाब से कितनी अमाउंट तक की रिकवरी निकलती है? बखूबी लाखों रुपए की, मैं तो बोलता हूँ कम से कम 20 से 25 लाख रुपए के एक्चुअली उत्पन्न होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली पालिका की तिजोरी में अब तक एक रुपया नहीं आया है। और आपके चैनल से और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से ये कंफर्म है कि इन लोगों ने पैसा नहीं दिया है, और महानगर पालिका के अधिकारी इसको छुपा रहे। थैंक यू मुंबई नाइन न्यूज के साथ।